जी डॉक्टर साहब, व्हाट्स सीएजीबी एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड व्हाट आर द डायग्नोस्टिक अच्छा, मॉडेलिटीज कॉलन एंड के अवेलेबल। कार्सिनोमा जो है, एक तो सीएजीबी जो है, इसके रिस्क फैक्टर्स एक तो ये हैं कि आपके लोकली जो चीज़ें आ गई हैं, लाइक आपका अगर पोर्सलिन गॉल ब्लैडर है और एडेनोमायोमाइटिस सेगमेंटल टाइप अगर है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, और उसके अलावा आपकी ड्रग टॉक्सिन्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स है, सही है, और जीबी स्टोन्स हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा इटसेल्फ इज रिस्क फैक्टर फॉर दी कोलेंजियोकार्सिनोमा, आईबीडी है, पैंक्रियाटोबिलियरी मेल यूरियन है, और सिस्ट हैं, कोलोडोकल सिस्ट हैं, और बस ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो है ना, लेंच सही सिंड्रोम, लेंच है, और क्रॉनिक आपका सर्मोनल टायफी भी है इसमें, इन्फेक्शन में आपका। दूसरी चीज़ें जो आपके इसके जो मैं सी ए जी जो है, ज़्यादातर ये फंडस में होता है और उसके बाद बॉडी में, देन नेक में होता है, और इसका ज़्यादातर मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा ही होता है जो इसका ट्यूमर टाइप होता है। अच्छा, इसके तीन टाइप के होती हैं, एक तो पेपलरी होता है, ट्यूबुलर होता है, और नोडुलर होता है। जो लीस्ट जो आपका एग्रेसिव है वो आपका पेपलरी टाइप है, और मोस्ट फ्रिक्वेंट वो भी इसमें ये आता है इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये बता रहा है आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अगेन वही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवाएगा और कोलनजाइटिस करवाएगा, वेट लॉस, जनरल सिम्टम जो हमारे होते हैं इसमें। और उसके अलावा आपकी जो है ना, इसकी जो सी ए जी बी हैं, इसके क्लासिफिकेशंस होती हैं, टी एन एम स्टेजिंग है इसमें, तो टी एन एम स्टेजिंग में आपका एक तो T1A जो होता है वो, उसमें आपका लामिना प्रोपिया इन्वॉल्वमेंट होती है, और T1B जो होता है वो मस्कुलस प्रोपिया इन्वॉल्वमेंट होती है, और T2A जो होता है थोड़ा डिफरेंट है, ये पहले के हिसाब से जो बाकी टी एन ए हमने पढ़े हुए हैं, T2A जो है वो आपका ये बियॉन्ड दी मस्कुलर लेयर एंड पेरी मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, विद दी इन्वॉल्वमेंट ऑन दी पेरिटोनियल साइड बट नॉट एक्सटेंडिंग इन दी सेरोसा। 2B जो होता है अगेन बियॉन्ड दी पेरी मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट विद एक्सटेंडिंग अप टू दी लिवर बट नॉट इन टू द लिवर, सही है। और 3 जो है, 3 आपका डायरेक्ट इन्वेट करता है आपको लिवर में वहाँ पे, और या फिर ये कि डायरेक्ट आपको ये यानी एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स सेरोसा में। और 4 जो है, या तो पोर्टल वेन इन्वॉल्वमेंट हो, हेपेटिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है, आपकी टी एन एम स्टेजिंग हो जाएंगी। अच्छा, जो इसका जो ट्रीटमेंट जो इसमें स्टेजिंग की ये बता दूँ, स्टेजिंग की आपकी जो फाइव सर्वाइवल कितना होता है अगर सर्जरी नहीं करते हम लोग, तो अगर सपोज स्टेज 1 है तो इसका 50% है, और स्टेज 2 है 28% है, अगर 2A, 3A और 3B है तो 7 to 8% है, अगर 4A, 4B है तो 2 to 4% है, जैसे अगर 5 ईयर्स का कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ज़्यादातर ये पेशेंट जो होते हैं अराउंड लेस देन 50% चांस होता है कि हमारे पास उस कंडीशन में आए ताकि हम सर्जरी कर सकें उसकी ना। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगर T1A स्टेज है तो इसका ट्रीटमेंट आपका सिंपल लैपकोली है, और अगर सपोज स्टेज आपका T1A हो गया, T1 अगर B है तो आपका रेडिकल कोलेक्स्ट्रेक्टोमी होती है। उसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक तो ये कि जो गॉल ब्लैडर बेड होता है अबव 2 सेंटीमीटर हम उसको रिसेक्शन करते हैं, उसके साथ ना एक तो आपका जो हेपेटोडोनल लिगामेंट होता है उसके बिहाइंड जो लिम्फ नोड्स हैं वो निकालते हैं, सीलिक एक्सेस के वहाँ से निकालते हैं, प्लस में पैंक्रियाटिक हेड जो होता है उसको रिसेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सटेंडेड या रेडिकल कोलेक्स्ट्रेक्टोमी हो गई इसकी, ये 2A1B की थी, T1B की। अच्छा, T2 की भी सेम है, अब T2 डिपेंड करता है कि कहाँ एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि इसके साइड डिपेंड करता है या तो लिवर की तरफ जा रहा है ऊपर, या तो नीचे टूवर्ड्स पेरिटोनियल की तरफ जा रहा है। अगर लिवर कर रहा है तो सेम एक्सटेंडेड कोलेक्स्ट्रेक्टोमी हो जाएगी, प्लस में लोबर रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन, हेपेटोमी हो जाएगी इसकी। अगर नीचे जा रहा है तो आपका या तो बाइल डक्ट सर्जरी करेंगे उसकी, या पेरिटोनियल जो डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पे उसको निकाल देंगे। अच्छा, इसमें बता रहा है कि दिस इज नॉट कंट्रा इंडिकेशन, एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन फॉर सी ए जी बी सर्जरी, कि इफ पेशेंट हैज अ सी ए जी बी एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स लिवर या टूवर्ड्स ड्यूडनम या टूवर्ड्स आपके कोलोन में, क्योंकि ये जो जो नेबरिंग ऑर्गन्स होते हैं तो उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं, इसमें कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप इसकी सर्जरी नहीं होगी इसकी।
ठीक है, ये हो गया आपका T2A, T2B हो गया, और T3 और T4 जो है उसका भी यही करते हैं, लेकिन इतना अच्छा रोल है नहीं इसका इस चीज़ के हिसाब से, सर्जरी करने के हिसाब से, तो इसी वजह से ज़्यादातर उसमें वो करते हैं, ये पेलिएटिव करते हैं। अच्छा, जो इनका सर्वाइवल है, अगर T1A है तो 85 टू 100% है 5 सर्वाइवल, अगर T2 है, T1 या T1AB या 1B सेम है, और T2 जो है वो 60 to 90% है, T3 जो है वो 15 to 60% है, T4 जो है वो 5 to 25% सर्वाइवल्स का है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ हमारे पास है जेमसिटाबिन है, या जेमसिटाबिन प्लस स्प्लैटिन है, सही है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन वो आपका सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, और इसके अलावा आपकी ये यूएस करेंगे। अच्छा, यूएस तब करते हैं करेंगे और यूएस तब करते हैं जब आपका ना, अगर डिजीज़ आपकी यानी एडवांस हो, पेलिएटिव केयर के लिए हम लोग कीमोथेरेपी दे रहे हो तो उस टाइम देते हैं, क्योंकि इससे भी यानी इसका रिस्क फैक्टर आपको होता है कि सीडिंग बढ़ जाती है यूएस की रीडिंग करने के बाद, तो उसका ख्याल करना होता है।